Hey guys, Assalamualaikum, Sasrikal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. इस वीडियो का टाइटल है सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलियन सिंगर पर आया अल्लाह का अजाब. डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई. तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. गाइस, बहुत ज्यादा भी ये वायरल हो रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर है, उनको सऊदी अरब में परफॉर्मेंस की, उनका कपड़ा फट गया. ठीक है, और वहाँ के जो सेक लोग है वो इंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही है. इसलिए अभी जो अभी वो आया था बाढ़ वाड़ टाइप का ऐसा सीन हुआ था सऊदी में, तो वो उसी का अजाब था. तो देखते हैं पहले वीडियो क्या होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. आपको कुछ ना कुछ जानने सीखने को मिलेगा. एंड शेयर जरूर करना गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा. जो हमारे सब्सक्राइबर्स है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. और ये उसको जो है ना उस अल्फाज बोलने के बाद उसके साथ ये उसके कपड़े फट गए. अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो बड़े गौर से सुनिए. रोजे रखती हूँ लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूजिक और वाचिंग मूवीज. इज इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूजिक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूजिक सुनती हूँ. क्या जायज है कहने म्यूजिक सुनना जायज है? कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है. क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में. उसके बाद सलाह जो आप पढ़ती है माशाल्लाह, उसके बाद ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोजा है, बाकी चीजें कई चीजें इस्लाम में. आप इंशाल्लाह जो अहम चीजों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज पे भी आ सकते. लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है कहने, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ, डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है. और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं. तो इस पस मंजर के हदीस के पस मंजर में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है. लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तक्वा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है. और मूवी, वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है. टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सिनिटी, ये देखना हराम है. लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते हैं, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते हैं, तो वो गलत नहीं है. तो गलत चीज देखना हराम है. अच्छी चीज पिक्चर पे देखना जायज है. जो चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज देखना जायज है. जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है. मेरा नाम अरुण पवार है. मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग नरक जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे इसी बात पे आप जोर दे दो. उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो. जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी. जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो. यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको. आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए. तो आप इस पे गौर करो. भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है. भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है. बुद्ध को जानता हूँ मैं, बुद्धा को जानता हूँ, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूँ. वो आप कहते हैं, तो आप अगर गलत कहते हैं तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया. बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया. क्यों? तो बुद्ध स्कॉलर ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुतपरस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे. उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है. बिल्कुल. तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब. आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं. जिस तरीके से बुद्धा ने
भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया। उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। बिल्कुल। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा मेरा बुद्ध बनाओ, बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो बुद्धा के अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर फोर ग्रेट ट्रुथ्स, चार हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का मैं सिर्फ 2-3 मिनट है, 10 बजने को, पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सोरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सोरोज है, मुश्किलात है। नंबर टू, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर थ्री, ये धरती से सोरोस को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर चार, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो एट फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूँ, इस धरती पे सोरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूँ कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सोरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो एट फोल्ड पार्ट फॉलो करो। नो, तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि एट फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो एट फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगे नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। जी, तो नाज़रीन, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। और रियली जो डॉक्टर जाकिर नायक सर बोले ना, एग्री हम भी करते हैं इस बात से कि बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि यार तुम मैं भगवान हूँ, मेरे मूर्ति बनाओ, मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। ठीक है, वो जो एक जैसे कि बोलते है ना कि जो एक मैसेंजर जैसे होते थे, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, बताते थे अच्छे रास्ते में चलो, अच्छा इंसान बनो। ठीक है, वैसे ही एक ये बौद्ध भी थे, ठीक है, जो बताते थे कि सही रास्ते में बनो, सही कर्म करो, लोगों को ऊंच नीच में जो बटे जाते थे, ठीक है, तो उनको बोलते थे कि इंसान सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये सब चीजें वो बताते थे, वो कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि यार तुम मेरी पूजा करने लग जाओ। ठीक है, और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो स्टार्टिंग में जो सिंगर थी जिसके कपड़े फटे, तो ये सऊदी अरब का वीडियो है ऐसा, अभी मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो और उसके साथ एक और वीडियो मतलब लगा के लोग वायरल कर रहे हैं कि जो अभी आंधी तूफान बहुत ज्यादा बिजली ये सारी चीजें और बहुत तेज बारिश हो रही थी मतलब सऊदी अरब मक्का शहर में, तो वहां की चीजें बोला जा रहा है कि ये मतलब जो सऊदी अरब के शेख है वो लोग ये सारी चीजों पे चले गए हैं, जबकि इस्लाम में पूरे तरीके से बोला गया है कि ये सारी चीजें हराम है। और जैसे डॉक्टर जाकिर नायक सर ने भी उस लड़की को बोला कि अगर आपको टीवी पे कुछ अच्छी चीजें देखनी है तो कुछ मतलब अच्छी चीजें सीखने वाली स्कॉलर्स के वीडियो ये सब देखो, लेकिन बुरी चीजों को मना किया गया। तो हो सकता है कि जो जितना अजाब जैसा ही था, जो अभी इतनी बारिश और इतना नुकसान हुआ, तो हो सकता है ये सारी चीजों पे जो मतलब ये सऊदी अरब वाले ज्यादा मतलब जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी हराम चीजों पे, उसी का नतीजा हो और ये अल्लाह का अजाब ही हो सकता है, क्योंकि इतने अचानक इतनी ज्यादा बारिश और तूफान आना ऐसे ही नहीं हो सकता अचानक से, क्योंकि इतना बारिश वहां हो नहीं रहा और अचानक से ऐसा आ जाना, तो यार जब बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला नाराज होता है तो वो बरसात करता है। ठीक है, तो और मतलब बरसात मतलब बे मौसम बरसात करता है जब नाराज होता था। और गाइस ये चीज था, और मैं एक वीडियो में ये भी देखा कि वो जो सिंगर थी, ठीक है, तो वो जो सिंगर है वो ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही है वो गाने में जो हमारे क्रिएटर को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनके पूरे सॉन्ग में नहीं मिला वीडियो, ठीक है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा
कि उसके इनका जो लाइन है ना सॉन्ग का, वो डायरेक्ट हमारे क्रिएटर को टारगेट कर रहे हैं और मतलब उनको चैलेंज कर रहे हैं और यहाँ के लोग क्रिएटर नहीं है, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब गलत चीजों पे जा रहे हैं, मतलब इस्लाम से बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं ये लोग। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अल्लाह की तरफ से अजाब था कि नहीं, क्योंकि बहुत गलत गलत चीजें हो रही है सऊदी में। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।